तो शुरू करते हैं आज का सवाल एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस इज क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स मैं फिर से यह बताऊंगा कि आप अपनी बुक सामने रखिए तब जाके आपको यह समझ आएगा कि वट वी हैव टू डू दिस टाइम इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल बट इट इज नॉट मैं वट इज एंगल सी इज एंगल सी ओब्यूज एंगल और इट इज अ राइट एंगल ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है लेकिन इतना है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी इसका मतलब है कि किसी भी ट्रैंगल में जब दो एंगल्स एक्यूट होते हैं और उसके साथ उन दोनों एंगल्स के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रैशो मेंशन है तो वो ट्रैंगल ऑबली एक राइट right एंगल होगा लेट अस ड्रा इट आई विल ड्रा अ राइट ट्रैंगल इसमें है एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स तो ये हो गया ए ये एक्यूट एंगल है दिस इज बी दिस आल्सो इज एक्यूट एंगल अब रहा पॉइंट सी दिस विल बी द राइट एंगल ओके दिस इज नाउ सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी वॉट वी हैव टू शो हियर वी हैव टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो इसके सोल्यूशन में मैं लिख रहा हूं वी हैव व्हाट वी हैव हियर वी हैव कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी स ए इज इक्वल टू कॉस बी अब देखो बेटा एंगल ए बी सी या ए सी बी ट्रैंगल में एंगल ए को यूज करेंगे जब एंगल ए को यूज किया गया है तो एंगल ए के दो आर्म्स बनते हैं ए सी एंड ए बी आप बी सी बन गया इसका परपेंडिकुलर और ए सी बन गई इसकी बेस कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ए पर बेस आ गया ए सी इट इज ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बी ये यही होगा ना विच इज इक्वल टू कॉस बी एंगल बी को यूज करेंगे जब एंगल बी को हमने मेंशन किया तो इसकी बेस बी सी बन जाएगी इट इज बी सी हाईपर्टिन फिर से ए बी ही है ए बी विल कैंसल विथ ए बी सो फाइनली वी गेट हियर ए सी इज इक्वल टू बी सी तो हमने पढ़ा है किसी भी ट्रेंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं नाइन्थ में हमने ये पढ़ा है जब ए सी और बी सी इक्वल साइड आ गए ए तो सी का अपोजिट एंगल बी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है क्योंकि बी और सी मेंशन हुआ तो ए अपोजिट बन गया सो देयरफॉर फोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए रीजन क्या है एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं दिस वाज क्वेश्चन नंबर सिक्स नी क्वेश्चन नंबर सेवन इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट इफ कॉट थीटा दिस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन एट कॉट थीटा का वैल्यू है कैलकुलेट या इवॉलवेट वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा और दूसरा पार्ट है कार्ड स्क्वायर थीटा तो यहां से हम काम स्टार्ट करेंगे थीटा अपॉन एट ठीक जब कॉर्ड थीटा का वैल्यू दिया है तो हम एक राइट right एंगल बनाएंगे इस राइट right एंगल में एक्यूट एंगल मेंशन होगा थीटा राइट एंगल का नाम ए बी सी रखते हैं थीटा मैंने यहां पर रख दिया जब एंगल थीटा यहां है सी पर तो परपेंडिकुलर हो गया ये बेस होती है ये कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इफ बेस इज सेवन तो थीटा ये है तो बेस हो गया ना ये इफ बेस इज सेवन देन परपेंडिकुलर इज एट ये रेशो है इफ एंड देन देन परपेंडिकुलर इज एट मैं लिख रहा हूं इसके सोल्यूशन में एज एंगल सी इज इक्वल टू थीटा देर फोर ए बी इज द परपेंडिक्यूलर एंड आगे लिखते हैं एंड बी सी इज द बेस एंड बी सी इज द बेस ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज द बेस चलिए जी तो दे आर फोर बी सी इज इक्वल टू सेवन एंड ए बी इज इक्वल टू एट नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रैंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस्थारम तीसरा साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस्थारम और तीसरा साइड हमें फाइंड करना है इसका हाई पॉटिन्यूस that is ac is equal to under root of sum of the squares of other two sides 7 square plus 8 square 7 square plus 8 square this is ac is equal to under root of 7 square is 49 plus 8 square is 64 this is under root of now the 113 this is the value of ac under root 113 now part number one what we have to evaluate 1 plus sine theta 1 plus sine theta into 1 minus sine theta divided by वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा ये इवॉलवेशन करनी है अगर हम देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही मैं लिखूंगा यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टा इंटू वन माइनस साइन थीटा हो गया ए की जगह यहां पर वन है और बी की जगह साइन थीटा है इट इज वन स्क्र माइनस साइन साइन थीटा स्क्र नहीं बल्कि साइन स्क्र थीटा ये स्क्र सिर्फ रैशो पर आएगा एंगल पर नहीं आएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज अगेन वन स्क्र माइनस कॉस स्क्र थीटा यू नो वन वन इज माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस स्क्र थीटा नाउ गिव द वैल्यूज इट इज वन माइनस साइन का वैल्यू यहां पर लेंगे साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपऑन हाईपोर्टन परपेंडिकुलर ये साइड है क्योंकि थीटा यहां पर है इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है इट इज एट अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस कॉस इज बेस अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन सेवन अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन होल स्क्वेयर ये वन तो वन ही है साइन स्क्वेयर थीटा साइन थीटा का वैल्यू है एट अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन और स्क्वेर इसी का आएगा अपॉन अंडर रूट थर्टीन होल स्क्वायर आगे हम इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं विच इज इक्वल टू वन माइनस एट को स्क्वेयरिंग करेंगे एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई जब अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन को स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर एंड रूट ये कैंसिल होता है तो वहां पर आएगा वन हंड्रेड थर्टीन डिवाइडेड बाय वन माइनस सेवन स्कोटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन स्कवायर इज वन हंड्रेड थर्टीन आगे इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हम विच इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 113 हंड्रड वन गो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 ये अब ये होल डिवाइड लिखा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 माइन वन हंड्रेड थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन डिवाइड बाई वन हंड्रेड थर्टीन ये इसका भी डिनोमिनेटर है वन हंड्रेड थर्टीन और इसका ये कैंसिल होंगे पता है क्यों कैंसिल क्योंकि अगर हम लिखेंगे वन हंड्रेड थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड थर्टीन फिर इस डिवाइड को इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा और रेसिप्रोकल में ये न्यूमिनेटर होगा ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे देट बिकम्स 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, 113 माइनस 64, दैट इज 49, नाइन तुवहन र तो नौ दह दहन शोर यस इट इज 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 इज 64, ये इसका एवॉल्यूशन आ गया और इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास है ऑल्सो वी हैव टू एवॉल्व इट कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा पहले हम देखेंगे कॉट का वैल्यू ट्रायंगल में कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर थीटा के लिए बेस है सेवन परपेंडिकुलर है एट इट इज सेवन अपॉन एट होल स्क्वायर व्हाट इज सेवन स्क्वायर इट इज फोर्टी Divided by eight sugar is sixty-four. It is same forty-nine upon sixty-four. This was question number three uh, seven of exercise eight point one. Thank you very much.